एमएसएमई सेक्टर के लिए आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चलना आसान नहीं है। ये हाल तब है जबकि आत्मनिर्भर भारत पैकेज का बड़ा हिस्सा एमएसएमई के नाम गया था। हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट में भी जिन सेक्टर्स की हालत कोरोना काल में सबसे ज्यादा गंभीर बताई गई है उनमें एमएसएमई भी शामिल है। आरबीआई के सर्वे के मुताबिक 60% कारोबारियों का मानना है कि एमएसएमई सेक्टर में अगले 6 महीनों तक रिकवरी की उम्मीद नहीं है। लॉकडाउन के कारण कैश फ्लो की कमी, प्रोडक्शन में गिरावट और मजदूरों में बड़ी तादाद में घर लौटने से एमएसएमई को तगड़ा नुकसान हुआ है। कम मांग, लेबर की कमी, वर्किंग कैपिटल और पूंजी की कमी से रोजगार पर ज्यादा दबाव पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। ये हाल तब है जबकि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत बैंकों ने 1.30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन एमएसएमई के लिए पास किया है। इसमें से 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन बांटा जा चुका है। लेकिन एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार के 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का कोई खास असर नहीं दिख रहा। बैंकों का एमएसएमई एनपीए बढ़ता दिख रहा है। एमएसएमई के लिए मॉरेटोरियम की मियाद अगस्त में खत्म हो रही है। इसके बाद के महीनों में एमएसएमई सेक्टर में और नौकरियां जा सकती हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एमएसएमई के मुताबिक कोरोना और लॉकडाउन की वजह से अगस्त तक इस सेक्टर में 4.5 करोड़ नौकरियां जा सकती हैं। एमएसएमई यूनिट्स में जून तक 2.5 से 3 करोड़ नौकरियां जा चुकी थीं। फेडरेशन के मुताबिक सितंबर से 61% एमएसएमई अपना लोन चुकाने की हालत में नहीं रहेंगे। केवल 16% एमएसएमई ही अपना लोन चुकाने की स्थिति में होंगे। 82% एमएसएमई को इमरजेंसी फंड की जरूरत है। सरकार के पैकेज से केवल 19% एमएसएमई की जरूरतें पूरी हुई हैं। अभी भी 89% एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम के दायरे से बाहर है। ऐसे हालात में एमएसएमई सेक्टर का आत्मनिर्भर बनने का सपना खटाई में पड़ सकता है। जो एमएसएमई को 20 लाख करोड़ का इन्होंने पैकेज दिया वो 20 लाख करोड़ पूरा एमएसएमई के अंदर नहीं है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि वो कुछ पार्ट है जो एमएसएमई के अंदर है और वो भी जो व्यापारी आदमी को दिया जा रहा है वो लोन के रूप में दिया जा रहा है। वो जो व्यापारी आदमी की लाइबिलिटीज जो उससे बढ़ रही हैं इसमें मुझे नहीं लगता किसी तरह से कोई इसमें व्यापारी आदमी को सपोर्ट मिलेगी। ये लोन बढ़ेगा और जो है इसके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ेंगी और कोई इसमें आत्मनिर्भर जो कहते हैं ये लोग आत्मनिर्भर को भी कोई इसमें कोई सपोर्ट मिलने वाली नहीं है इससे। और मुझे लगता है हाँ ठीक है कोई आदमी किसी कोई व्यापारी आदमी ले सकता है कोई सपोर्ट मिल सकती है इसमें बट ये जो है डायरेक्ट लोन है ये और कुछ नहीं है इसके अलावा। इस बीच एक सर्वे के मुताबिक देश के 67% एमएसएमई चीन से होने वाले आयात को रोकने का समर्थन कर रहे हैं। केवल 35% एमएसएमई ही मानते हैं कि चीन से होने वाले आयात पर रोक से उनका बिजनेस बढ़ेगा। 42% एमएसएमई को चीनी वस्तुओं के आयात पर रोक से कारोबार में कोई फायदा नहीं दिख रहा। एमएसएमई का मानना है कि उनकी हालत बेहद खराब है और सरकार की मदद के बगैर वो खुद को बचा नहीं पाएंगे। केवल 11% एमएसएमई मानते हैं कि सरकारी मदद के बगैर भी वो अपना अस्तित्व बचा लेंगे।